अपील जारी भी की है सोशल मीडिया पर, जिसका अनुपालन करना अपेक्षित है कि जुमे की नमाज नहीं होगी। सरकार की हिदायतों के मुताबिक जुमे की नमाज नहीं होगी। उसके बाद हम लोगों ने अलग भर करके मीटिंग की, इमाम थे, शहर के मोजज़ लोग थे और दानिश्वर लोग थे। उसके बाद ये तय हुआ मीटिंग में कि जुमे की नमाज नहीं होगी, सभी लोग अपने अपने घरों में जोहर की नमाज अदा करें। और वैसे भी मतलब इस्लाम भी बताता है कि अगर कोई वबा फैल जाए, कोई ऐसा मामला हो तो एहतियात करना चाहिए। मसला नमाज जुमा का है, जो यकीनन एक ऐसा अमल है, एक अजीम तरीन इबादत है, लेकिन इस कोरोना वायरस की शिद्दत को देखते हुए जहाँ एक तरफ हमारे उलमा ने यह फैसला लिया है कि यकीनन हम बजानिब है कि इस वक्त हम जहाँ तक हो सके हुजूम से बचें। बहरहाल नमाज जमात भी एक हुजूम है जहाँ पर मोमिनीन इकट्ठा होंगे और नमाज को अदा करेंगे। ऐसे माहौल में हमारे मराजे कराम ने भी कहा है कि अगर इस नमाज जमात से उस मरस के फैलने का ख़तरा हो तो ऐसे मौके पर हम एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए नमाज जुमा को तर्क कर दें और बाकायदा खुद भी बचें और दूसरों भी बचाएं। फिरोजाबाद जिला कारागार से कोरोना वायरस के चलते 163 बंदियों का सलाखों से शीघ्र वापस बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इन बंदियों में 53 सजायाफ्ता और 110 विचाराधीन बंदी शामिल हैं। सूची कारागार मुख्यालय को भेज दी गई है। जिला कारागार में 840 बंदी रखने की क्षमता है, जबकि वर्तमान में 1500 से अधिक बंदी निरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में जिला कारागार प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न तरीके अपना रहा है और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता एवं विचाराधीन कैदियों की श्रेणी निर्धारित करते हुए पैरोल पर जेल से रिहा किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसका अनुपालन करते हुए जेल प्रशासन ने कार्रवाई की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में कारागार मुख्यालय ने दो कैटेगरी में सूचना मांगी गई थी। पहली कैटेगरी सिद्धोष बंदियों की है, ऐसे बंदी पूछे गए थे जिन्हें 7 साल तक की सज़ा है। दूसरी कैटेगरी विचाराधीन बंदियों की थी, उसमें ऐसे विचाराधीन बंदियों की सूचना मांगी गई थी जो ऐसे वादों में निरुद्ध हैं जिसमें अधिकतम 7 साल तक की सज़ा है और उनके ऊपर कोई दूसरा ऐसा केस ना हो जिसमें उनको सज़ा हो गई हो, तो ऐसी सूचना कारागार मुख्यालय को प्रेषित की गई है। विचाराधीन बंदी 110 हैं और सिद्धोष बंदी 53 हैं। ये सारी सूचनाएं कारागार मुख्यालय को प्रेषित कर दी गई हैं। वहाँ पर इसको लेकर एक्सरसाइज हो रही है कि कितने बंदियों को छोड़ा जाए। बंदियों को ये बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी पर रहें, भीड़ भाड़ में ना रहें, जहाँ तक संभव हो एक दूसरे से दूरी बना के रखें। बार बार उनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं। सारी बैरकें, गोदाम, ऑफिस और किचन डेली सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। हर एंट्री पॉइंट पे सैनिटाइज़र और साबुन रखा गया है और वो यहाँ से छूट के जाएंगे तब भी उनको ये बताया जाएगा कि सारे एहतियातों को वो अपनाएं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक छोटा सा विराम। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते वक्त गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं क्या गुनगुनाएं भैया? क्यों, क्या हुआ? बैठिए। छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज है ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बस ऐसे ही गाना गुनगुनाते रहिए चाचा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। वहीं अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह गरीबों और बेसहारों की मदद के लिए सामने आए हैं। राकेश प्रताप सिंह ने गौरीगंज में गरीबों, बेसहारों और बाहर से आए करीब 1000 लोगों को खाने के पैकेट बांटे और जरूरतमंदों को 1000 रुपए भी दिए। इस दौरान विधायक ने अपने निजी मोबाइल नंबर को भी साझा किया और कहा कि जिससे भी आवश्यकता हो वो तत्काल मेरे नंबर पर फोन करे और उसकी हर संभव मदद की जाएगी। I
अमेठी जनपद में कोई भूखा नहीं सोने पाएगा, इस बात का संकल्प लिया गया है। जनपद के समस्त सम्मानित अधिकारियों को, कर्मचारियों को, से मीडिया कर्मियों से, प्रधान बीबीसी, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभासदों से, वार्ड के सभासदों से मेरा अनुरोध है कि यदि उनके कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस तरह से फंसा है और भूखा सो रहा है तो मेरे पर्सनल नंबर 99-191-555-65-95-48-84 जो मेरा फ्यूजी नंबर है, इस पर मुझे जरूर सूचित करने का काम करें जिससे उन तक इन व्यवस्थाओं को पहुंचाया जा सके। नोवल कोरोना वायरस से संघर्ष के चलते लॉकडाउन के गरीब किसानों व जरूरतमंदों के लिए 70 लाख करोड़ केंद्र सरकार का राहत पैकेज वरदान साबित हो रहा है। राहत पैकेज में संकट का सामना कर रहे लोगों में आशा की किरण जग गई है। गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अमला और लाभार्थियों को चिन्हित करने में लगा है। पंजीकृत 3139 मजदूरों के खाते में 1000 रुपये की धनराशि स्थानांतरित कर दी गई। उज्ज्वला गैस के महिला लाभार्थियों को 3 माह के लिए मुफ्त गैस रिफिलिंग की व्यवस्था की जा रही है। खाद्यान्न की वितरण शुरू कर दिया गया है। जनधन महिला खातों के 500 रुपये मासिक भेजा जा रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की 2000 रुपये लाभार्थियों के खाते में भेज दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वृद्ध विधवा दिव्यांग लाभार्थियों को 1000 रुपये की पेंशन जल्द ही दी जाएगी। जिलाधिकारी सी इंदुमती ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय लोगों की व्यापक स्तर पर मदद की जा रही है। केंद्र सरकार का राहत पैकेज सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 3139 पंजीकृत मजदूरों को 1000 रुपये दे दिए गए हैं और 7000 रुपये ऐसे मजदूर जिनका पंजीकरण नवीकरण नहीं हो पाया था, प्रक्रिया चल रही है, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। एक दर्जा हमारे खाते पे आया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री को, मैं उनका आभारी हूँ। जो कल माननीय वित्त मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री राहत कोष के तरफ से जो पैकेज आया है, हमारे वार्ड में 1527 ठेला कुंचा लगाने वालों के लिए 1000 रुपये का पैकेज आया है। हम हमारे सफाई नायक सभी को सूचित कर रहे हैं, उनके खाते में 1000 रुपये भेजने की सूचित करा रहे हैं बुला बुला के मोबाइल से। और जो लोगों को गल्ला मिलने का व्यवस्था की सरकार ने दिया है, इसके लोगों में बड़ा राहत है। जी जानकारी हमें ये है कि मोदी सरकार हमारी बहुत मदद की, जनधन खाते में पैसा डाल रही है और उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर मिला है इसको 3 महीने के लिए फ्री दे रही हैं और राशन कार्ड जिसके पास है उसको राशन दे रहे हैं और श्रम विभाग वो भी पैसा वैसा दे रहे हैं कुछ जी। और बहरहाल ये जो बीमारी चल रही है वो कोरोना, इससे हमें बचाव तो करना ही चाहिए जी। बाकी ये सरकार तो हमारी बहुत मदद कर रही है। देश में कोरोना वायरस को लेकर हलचल मची हुई है। लोग वायरस से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस खतरनाक कोरोना वायरस के प्रकोप को बचाने के लिए कानपुर देहात प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस वायरस के अलर्ट को लेकर जिले के सभी जिला अस्पताल भी सुरक्षित आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। बताया जाता है कि यदि कोई मंत्री संदिग्ध कोरोना से ग्रसित पाया गया तो उसे इसी वार्ड में रखा जाता है, उसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए सोशल डिस्टेंसिंग के आग्रह को शहरवासियों ने अपने हाथों हाथ लिया है। इस समय पूरे जनपद में लॉकडाउन की स्थिति है और उस लॉकडाउन को इफेक्टिवली मैनेज कराया जा रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। एक जो बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग हैं उनको जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति किस प्रकार से हो, तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने उस एरिया में जो किराने की दुकान या सब्ज़ी की दुकान, उनके लिए एक समय अवधि निश्चित की थी कि 7 बजे से 11 बजे तक वो खुली रहेंगी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, और उसके लिए मार्किंग भी करा दी गई थी 1-1 मीटर की दूरी पे, कि उस तरीके से लोग आकर के अपनी सामग्री ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें और प्रिकॉशन बरतते हुए अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उसी वार्ड में, नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी दुकानें हैं उनमें डिलीवरी मैन के माध्यम से लोगों को आपूर्ति कराई जाएगी। इसके लिए चिन्हांकन कर लिया गया है। आज सारे जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की है और उस जो भी जिस वार्ड का, जिस एरिया का जो भी किराना वाला या सब्ज़ी वाला या दूध वाला
या मेडिकल स्टोर जिस इलाके में है उसका जो मोबाइल नंबर है उसके बारे में अखबार के माध्यम से, पैम्फलेट्स के माध्यम से लोगों को सूचना करा दी जाए, जिससे कि घर बैठे लोग टेलीफोन के माध्यम से जो भी सामग्री की आवश्यकता है उसको मंगा सकते हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में लॉकडाउन किए जाने पर फतेहपुर की जनता द्वारा समर्थन मिल रहा है। जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आवश्यक राशन, दूध, सब्जी व फल सिलेंडर की डोर टू डोर होम डिलीवरी व्यवस्था शुरू की है। साथ ही ग्राहक मेडिकल स्टोर में दवाओं व खाद्य सामग्री की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की खरीद सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर गोले में एक मीटर की दूरी बनाकर खड़े नजर आ रहे हैं। होम डिलीवरी के लिए दुकानदारों के नंबर डिस्प्ले किए गए हैं जिनके माध्यम से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत जो हमारी प्रयास है कि डोर टू डोर डिलीवरी, जैसा कि शासन का भी निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया हुआ है कि इन दुकानों में से होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस हेतु हम लोगों ने जो किराना स्टोर हैं, दूध डिलीवरी के लिए लोग हैं या फिर जो है आपके सब्जी के वेंडर्स हैं, इन सभी को चिन्हित कर लिया है। अभी तक जनपद में कल तक का जो डाटा है उसके हिसाब से हमने 130 वेंडर्स ऐसे हैं जो सब्जी के लिए चिन्हित किए गए थे, दूध के लिए 144 वेंडर चिन्हित किए गए थे और डोर स्टेप डिलीवरी किराना के लिए 158 वेंडर्स चिन्हित किए गए थे। इनके नंबर भी डिस्प्ले किए गए, उनको नगर पालिका नगर पंचायतों में वार्ड आवंटित किए गए हैं और वो अपने वार्ड में जाके ट्रॉली के माध्यम से या ई मोबाइल वैन के माध्यम से या ई रिक्शा के माध्यम से डोर होम डिलीवरी अवेलेबल करा रहे हैं। जो दवाओं की दुकानें खुली हुई हैं, सभी दुकानें दवाओं की खुली हुई हैं, उनकी डिलीवरी उनका आपूर्ति भी हम अन्य जनपदों से चूंकि आती हैं जन दवाएं उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर गरीबों की मदद के लिए अयोध्या के स्वयंसेवी संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मानवता की सच्ची सेवा कर रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन को लेकर फंसे दिहाड़ी मजदूर गरीबों व भूखे लोगों के लिए अभियान चलाकर इसमें गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी मर्चेंट लॉज के आशीष अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, अतुल सिंह ने लंगर वाहन चलवाए। अयोध्या में हुए लॉकडाउन को देखते हुए जरूरतमंदों व भूखे लोगों के लिए शुक्रवार को खिड़कियाली बेग स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण से लंगर वाहन को सीओ सिटी अरविंद चौरसिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बहुत सारे जो भीख भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन पहले करते थे, आज की डेट में उनके पास ना तो गैस है, ना तो चूल्हा है, ना तो राशन है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो हमारे यहाँ गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों ने अपना कदम आगे बढ़ाया और यहाँ पर लगभग 200 लोगों का राशन आज खाने के रूप में बनवा कर उसको जो है अपने जो कार सेवक इनकी गाड़ी है और सारा सिस्टम इनके पास है उसके थ्रू रवाना हम लोग करवाए हैं, जिससे कि हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन पर या कहीं आसपास जगह ऐसी है जहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है उनको डायरेक्ट खाना दिया जा रहा है, ये खाना वितरित कराया जा रहा है। उसके लिए हमने अपना एक सिपाही होमगार्ड के रूप में लगाया, होमगार्ड है हमारा वो भी लगाया है, जिससे कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, कहीं भी किसी तरह की कोई संक्रमण का बचाव किया जा सके, कोई दिक्कत ना आए। विश्व भर में चल रहे कोरोना वायरस की महामारी का असर भारत में भी पड़ा, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है। प्रयागराज जिले में 21 दिनों के लॉकडाउन को पूरी सख्ती के साथ लागू किया गया। सड़कें पूरी तरह से सुनसान है, लोगों को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। प्रयागराज की जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि प्रशासन और शासन की ओर से अब लोगों को फल सब्जी के लिए डोर टू डोर पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें काफ़ी व्यवस्थाएं बताई जा चुकी हैं, बहुत सारे फैसले वगैरह भी इसको किए जा चुके हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज और कमोडिटीज हैं उनकी कमी किसी भी तरह से ना हो इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों तक जो खाद्य सामग्री है, राशन के सामान हैं, उनको की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है, ऐसे सभी दुकानों को खुला रखा गया है, लेकिन लोगों का आवागमन कम से कम हो इसलिए हम लोग जो ऑटो यूनियन है, जो हमारी ई रिक्शा यूनियन है, उनके साथ इस चीज़ पर बात कर रहे हैं
कि कैसे उनके माध्यम से वो होम डिलीवरी कराई जा सके और एक दो दिन में ये सब। आजमगढ़ में कोरोना कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए 21 दिन के लॉकडाउन को लेकर जहां लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं, वहीं लोगों की सेवा में लोग आगे आ रहे हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनमें पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी और डॉक्टर और नर्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, कुछ संगठन गरीबों के घर राशन सामग्री भी पहुँचा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनपद आजमगढ़ से एक अग्रवाल परिवार जहाँ प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि भेज रहा है, वहीं उनका पूरा परिवार ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को भोजन आदि उपलब्ध करा रहा है। इतना ही नहीं, घर की महिलाएं स्वयं सिलाई मशीन चलाकर निःशुल्क मास्क का वितरण भी आवश्यक लोगों को कर रही हैं। उनका सपोर्ट करके उनके साथ में मास्क और सैनिटाइजर जिन लोगों के पास नहीं है, मीडिया, पुलिस और अन्य गरीब लोगों को उनको सप्लाई करके उनकी सहायता कर और आगे जो भी हो सकेगा उसके लिए भी हम बिना पैसे का दे रहे हैं। बिना पैसे के तैयार हैं हम लोग उसको सिल रहे हैं और उसको हम सभी लोगों में, पुलिस लोगों में और सभी जिनके पास नहीं है हम उनको सबको दे रहे हैं सिलकर। 11,000 का चेक कल सुबह जा करके बैंक में जमा कर दिया राहत कोष में, प्रधानमंत्री की राहत कोष में, और जनता से यह आह्वान करूँगा ये अधिक से अधिक मोदी जी के खाते में, राहत कोष में पैसा भेजें। जो 15,00,000 करोड़ रुपया लगाए हैं वह उनको न लगाना पड़े, अग्रवाल समाज ही पूरा कर दे, यह मेरी अभिलाषा है। कुछ लोग जो गरीब हैं इस परिस्थिति में उनके पास साधन, राशन वगैरह जुटा पाने का अगर साधन नहीं हो पा रहा है उनके लिए हम आटा चावल दाल वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। और दूसरी बात, कल DM साहब से वार्ता हुई है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शहर में खाना पकाने में अक्षम होंगे, बीमार होंगे या किसी वजह से नहीं बना पा रहे हों, गरीब लाचार हैं, उनके लिए हम लोग पका पकाया भोजन पैकेट, लंच पैकेट तैयार करके हम तक पहुंचाएंगे हमारे कार्यकर्ता उनको, ताकि कोई भूखा ना सो। एक तरफ जहां बढ़ते नोबल कोरोना वायरस के मामले के बीच आज लोग धूप की उम्मीद कर रहे थे, वहीं आज लखनऊ में तेज बिन मौसम के बारिश हुई। बारिश ने एक बार फिर से मौसम को ठंडा कर दिया, जिसकी लॉकडाउन की वजह से आमतौर पर रोडों पर पहले ही सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज बारिश से बाहर निकले लोगों को भी घर वापस भेज दिया। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले प्रदेश में कुछ स्थानों बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, शामली, हापुड़, ललितपुर के जिलों में फिर से बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ समाचारों के बुलेटिन यहीं खत्म होता है। मैं आपसे चाहूंगा फिलहाल इजाजत, नमस्कार। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239780446 पर संपर्क करें। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, पर भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो, हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। मैडम, उमंग सर बुला रहे हैं। उमंग सर की सुबह में कुछ ज्यादा ही उमंग आ गया है। क्या जोक चल रहा है? कुछ नहीं, बॉस ने क्या कहा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। तुम तो फेल नहीं हो सकती। ऐसी अपनी मुस्कुराहट दिखा देना, बहुत आगे जाओगी। एकदम सही कहा नितिन, बहुत आगे जाएगी अंकिता। इसलिए नहीं कि लड़की है, इसलिए क्योंकि इसने एक्स्ट्रा टाइम देके अपना काम पूरा किया है। सोच बदलो, समाज बदलेगा। नजर बदलो, नजरिया बदलेगा।